What's up guys, Trenzy here. हां जी, तो गाइस वैलेंटाइन डे आने वाला है और मेरे बहुत से भाई इस साल खाता खोल लेंगे डेटिंग का और कुछ अभी भी बट कोई बात नहीं, आगे मिल जाएंगी। लेकिन सबसे ज्यादा हमारी फटती है जब हम फर्स्ट डेट पे जाते हैं, क्या डालूं क्या ना डालूं, कहीं ऐसा ना लगे कि मैंने बहुत ज्यादा ओवर ड्रेस किया है, कहीं ऐसा ना लगे कि मैंने बिल्कुल भी ड्रेसिंग नहीं की है। 3 आउटफिट्स गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूं जो आप अपनी वैलेंटाइन डेट या फिर किसी भी फर्स्ट डेट के ऊपर डालकर जा सकते हो एंड योर वैलेंटाइन डेट विल बी लाइक ओ माई गॉड, इतना ओवर कोई नहीं करता है, इंप्रेस हो जाएगी मतलब। और लास्ट में आपके लिए कुछ प्रो टिप्स हैं जो कि आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेंगी और भाई के थोड़े से पर्सनल एक्सपीरियंस से भी वो टिप्स निकाली गई हैं। और फर्स्ट डेट के ऊपर कॉन्फिडेंस इज मस्ट, तो ये प्रो टिप्स जरूर सुन के जाना। लाइक कर दो, टारगेट है 1000 लाइक्स का एंड गाइस लेट्स बिगिन। अब यहां पर मैं आउटफिट्स को थोड़ा सा एज ग्रुप के हिसाब से डिवाइड करूंगा बिकॉज यू शुड स्टाइल एंड फैशन अकॉर्डिंग टू योर एज ब्रो, ऐसे कुछ भी नहीं डालना है। अब 30 साल की उम्र में आप वो बॉय बनकर नहीं जा सकते हो और 20 साल की उम्र में आप वो MLM के लड़कों की तरह टाई बेल्ट और सूट डालकर नहीं जा सकते हो, देखते ही आपकी डेट आपको बोलेगी भाई मुझे नहीं बनना करोड़पति। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे कॉलेज वाले भाइयों की, यानी कि वो 18 से 21 22 वाले एज ग्रुप की। गाइज अगर आप इस एज ग्रुप में हो तो मैं आपको अपर में सजेस्ट करूंगा अ टर्टल नेक स्वेटर। टर्टल नेक गाइज कैजुअल और फॉर्मल का एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन और बैलेंस है, मतलब एक लौंडे वाली फीलिंग भी नहीं आएगी आपसे और एक मैच्योर मैन टाइप की फीलिंग भी नहीं आएगी, एक डिसेंट स्मार्ट बॉय वाली आपको लुक देगा। साथ में आप डालेंगे डेनिम, डेट के ऊपर आप जो है वो कम डिजाइन वाली या फिर जो कम कटी फटी वाली डाल के जाना, एक अच्छी सी डेनिम डालना एंड टर्टल नेक से मैचिंग स्नीकर्स। एसेसरीज लाइक चेन रिंग विल बी आइसोन केक विद टर्टल नेक, ये बहुत सही लगती है, बस एसेसरीज को ओवर मत कर देना। थोड़ा वैलेंटाइन का टच देना है तो आप यहाँ पर जो है वो चेरी रेड या फिर मरून कलर की कोई अच्छी सी बॉम्बर जैकेट डाल सकते हो या फिर इसी कलर की कोई चीनो या फिर ट्राउजर पैंट भी डाल सकते हो। और गाइस अगर इतनी ठंड नहीं है, जैकेट वैकेट डालने की जरूरत नहीं है, तो आप टर्टल नेक ही जो है वो मरून कलर का डाल सकते हो। और अगर आपकी फर्स्ट डेट किसी पार्क वगैरह यानी कि किसी ओपन एरिया में है तो एक सनग्लासेस मस्त, अगर किसी ओपन एरिया में है तो, अदरवाइज सनग्लासेस नॉट रिक्वायर्ड। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, मैं सबका लिंक देने की जरूर कोशिश करूंगा। आउटफिट नंबर 2 व्हिच इज फॉर 22 to 24 25। अब अगर आप 23 24 25 वाली एज में फर्स्ट टाइम डेट पे जा रहे हो तो यू शुड लुक लाइक अ लिटिल बिट मैच्योर, मतलब इस एज में या तो आप कॉलेज से निकल चुके हो पास हो गए या फिर निकलने वाले हो या फिर कोई मास्टर डिग्री परस्यू करने जा रहे हो, मतलब एक प्रोफेशनल लाइफ में अब आप एंटर करने जा रहे हो, जॉब बिजनेस या फिर व्हाटएवर। और लड़कियां पर्टिकुलर इस एज ग्रुप में वो फन मस्ती के लिए डेट नहीं करती ज्यादातर, इस एज में मोस्टली बंदियां ये देखती हैं कि इस बंदे के साथ आगे फ्यूचर प्लान हो सकता है या नहीं, और वो मैच्योरिटी आपकी आउटफिट में से दिखनी भी बहुत जरूरी है। और वो दिखाने के लिए जो सबसे बेस्ट रहेगी वो है पोलो टी शर्ट, ये स्ट्राइप्स या फिर ये भड़कीले कलर या फिर भड़कीले लोगो वाली नहीं, एक बहुत ही सटल सी, एक छोटा चेस्ट के ऊपर लोगो हो सकता है या फिर एक छोटा मोटा उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ हो सकता है। अब क्योंकि आप बॉय वाले जोन से निकलकर वो मेन वाली कैटेगरी के अंदर जा रहे हो, वेलकम टू द क्लब, तो आई सजेस्ट कि आपको जो है वो डेनिम को डिच करके यहाँ पर चीनोज की तरफ जाना चाहिए। ग्रे ब्लू खाकी दीज आर माई फेवरेट कलर्स। और शूज में आप डालेंगे चेल्सी मॉन्स्ट्रैप या फिर चक्का बूट्स। स्नीकर्स भी आप डाल सकते हो लेकिन थोड़ा सा सेफ साइड खेल के चलना, थोड़े प्लेन स्नीकर होने चाहिए, ऐसे कोई बिग लोगो उसके ऊपर या फिर ऐसे बड़े बड़े भड़कीले से डिजाइन उसके ऊपर नहीं होने चाहिए, पूरी आउटफिट का सत्यानाश मार देगा। देखो गाइस आपका पर्सनल स्टाइल कुछ और हो सकता है, हो सकता है आपको एयर जॉर्डन डालना पसंद हो सकता है आपको ईजीज डालना पसंद हो या फिर कुछ और डालना पसंद हो, लेकिन यहाँ पर मैं पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ फर्स्ट डेट की। ओके, वैलेंटाइन टच देना है तो यहाँ पर आप जो है वो डार्क मैरून या फिर डार्क रेड कलर की जो है वो पोलो टी शर्ट डाल सकते हो विद सम मैचिंग स्नीकर्स। और अगर यहाँ पे जो है वो ठंड ज्यादा है देन सिंपली थ्रो एनी कैजुअल जैकेट एंड डेनिम जैकेट। डेनिम जैकेट इस एज ग्रुप में थम्स अप, जरूर ट्राई करो। एसेसरीज में एक अच्छी मिनिमलिस्टिक वॉच जरूर डाल के जाना, एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल कैरेक्टर ऐड करती है। दूसरे हाथ में अगर आपने कुछ डालना है तो आप डाल सकते हो, एक सिंपल सा ब्रेसलेट या फिर कड़ा वगैरह अगर आप डालते हो तो वो भी डाल सकते हो, बस ओवर मत कर देना भैया एसेसरीज को। इससे पहले हम नेक्स्ट आउटफिट डिस्कस करें, थोड़ा सा ब्रेक लगा के भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर इसी तरीके की और वीडियो फ्यूचर में देखनी है। एंड गाइज आपका भाई इसी तरीके का कॉन्टेंट हमने इंस्टाग्राम पे भी बनाता है, तो अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो ये रहा भाई का यूजर नेम, हैप्पी वैलेंटाइंस डे जरूर विश करना भाई को, फॉलो भी कर लेना। थर्ड आउटफिट मेरे 25 26 से 30 साल तक के भाइयों के लिए, और मैं आपसे वो सवाल नहीं करूंगा शादी क्यों नहीं करी अभी तक। गाइज अगर आप इस पर्टिकुलर एज ग्रुप से हो तो मोस्ट प्रोबेबली आप या तो कोई जॉब प्रोफेशनल ले चुके हो या फिर कोई पर्सनल बिजनेस जो है वो सेटअप कर चुके हो या फिर आप स्टिल स्ट्रगलिंग पीरियड में हो, कुछ करने की कोशिश कर रहे हो। हो सकता है आप एक यूट्यूबर हो जो लोगों को कह रहा है कि लाइक और सब्सक्राइब कर दो लेकिन लोग कर नहीं रहे हैं।
एनीवेज, अगर आप इस एज में जो है वो फर्स्ट डेट पर जा रहे हो तो आप वो जो है वो यो ब्रो वाली लुक तो जो है वो बिल्कुल बना के नहीं जा सकते हो। हो सकता है आप स्ट्रीट वेयर वगैरह जो है वो प्रेफर करते हो, लेकिन अगर सामने वाला उस पर्टिकुलर वाइब को, उस कल्चर को नहीं समझता तो ये मामला उल्टा पड़ जाएगा। अ गुड क्वालिटी ट्राउजर और चीनो प्लस अ गुड क्वालिटी शर्ट पार्टी वेयर नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल बोरिंग सी भी नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दिस, ये मैंने मिंत्रा से ली थी, वेरी मिनिमल डिटेलिंग एंड टेक्सचर। कोशिश करूंगा मैं लिंक दूं सबका, नहीं मिले तो फिर मैं आपको सिमिलर का लिंक जरूर प्रोवाइड करूंगा। अब अगर यहाँ थोड़ी ठंड है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस तरीके की एक स्पोर्ट्स जैकेट डालें। ध्यान रहे पूरा सूट वूट टाई वाई लगा के तैयार होकर मत चले जाना, अदरवाइज ऐसा लगेगा कि आप सीधा शादी करने ही जा रहे हो। It will be like बारात भी ले आते। हमें बिल्कुल फॉर्मल नहीं करना है और जो स्पोर्ट जैकेट होती है वो कोट के जैसे दिखने वाली ही एक जैकेट होती है, बट आती कैजुअल में है। प्लीज, जो शादियों में हम जो है वो ब्लेजर और कोट पैंट डाल के जाते हैं और अब अपनी जॉब के ऊपर जो कोट पैंट डाल के जाते हो वो ढालकर मत जाना भाई, बिल्कुल मजा नहीं आएगा। एसेसरीज यहाँ पर सेम ही चलेंगी। अ गुड क्वालिटी वॉच, प्लीज अपनी एप्पल वॉच या फिर अपनी डिजिटल वॉच को थोड़ा सा अवॉइड करना। कैलोरीज कैलकुलेट करने नहीं जा रहे हैं हम वहाँ पे, हम वहाँ पर थोड़ा सा इंप्रेशन डालने जा रहे हैं और एनालॉग वॉच का कोई मुकाबला नहीं है। ऑल राइट, तो अब देखते हैं कुछ ट्रेंड्स की प्रो टिप जो आपकी फर्स्ट डेट पे आपको अच्छा खासा एक कॉन्फिडेंस बूस्ट दे सकती है। एंड नंबर वन इज डू नॉट शो ऑफ। भाई अगर आपके पास आईफोन है तो यू दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। आईफोन बस एक एग्जाम्पल था, शो ऑफ करना ही नहीं है किसी भी चीज का, लड़कियां दो मिनट में पकड़ती हैं ऐसी चीजों को। टिप नंबर टू, बी योरसेल्फ। एक बनावटी पर्सनैलिटी जो है वो पकड़ में आ ही जाती है। हाँ, थोड़ा सिंसियर होके बात करना, थोड़ा तहजीब से बात करना इज गुड, बट इम्प्रेस करने के चक्कर में डू नॉट बी समवन, बी योरसेल्फ। ये रिलेशनशिप के फ्यूचर के लिए भी अच्छा है। टिप नंबर थ्री, डोंट बी टू लाउड और टू लो। अगर लड़की अपनी कोई बात बता रही है देन लिसन टू हर। बीच बीच में थोड़े सवाल भी पूछ सकते हो, इससे उसके दिमाग में ये मैसेज जाएगा कि हाँ सामने वाला बात करने में और मेरी लाइफ के बारे में जानने में इंटरेस्टेड है। लेकिन इधर उधर के सवाल नहीं होने चाहिए, कन्वर्सेशन से रिलेवेंट होने चाहिए। अपनी चपड़ चपड़ मत लगा के रखना, मेरा ये मेरा वो, और ना ही एक बोरिंग बंदे की तरह उसकी बातें सुनने जाना। आपको कन्वर्सेशन के अंदर पार्टिसिपेट जरूर करना है ताकि बातें थोड़ी लंबी चले और बन जाए बात। So guys, that's it for this video. कैसी रही आपकी वैलेंटाइन डेट या फिर कोई भी फर्स्ट डेट, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर मुझे वापस जरूर बताना। और अगर आपको टर्टल नेक या फिर चेल्सी बूट के ऊपर वीडियो देखना है तो आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो। एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू गाइज, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस। यू कैन डू एनीथिंग।